हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं उसी डेली डोज के सेशन की बात कर रहा हूं जिसमें मैं फ्रेजल वर्ब के एपिसोड्स लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जी हां, आज एपिसोड है 44वां और इसमें हम फिर से 5 नए फ्रेजल वर्ब को लेकर के आए हैं जिसके सेंस और एग्जांपल्स को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखा जाए कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब आपके लिए लाया गया है। चलिए देखा जाए, आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है गो इन फॉर। गो इन फॉर, टू एंजॉय अ पर्टिकुलर थिंग और एक्टिविटी। To enjoy a particular thing or activity. Example के तौर पर देखा जाए, she doesn't go in for badminton much. She doesn't go in for badminton much. Go in for का जो अगला use है वो है to take part in a competition or take an examination. To take part in a competition or to take an examination. Example के तौर पर देखा जाए, she is going in for IBPS PO examination this year. She is going in for IBPS PO examination this year. Go in for का जो अगला use है वो है to choose something as a subject of study or as your career. To choose something as a subject of study or as your career. Example के तौर पर देखा जाए, everyone thinks she is planning to go in for politics. Everyone thinks she is planning to go in for politics. आज का जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है थ्रस्ट असाइड। जी हाँ, थ्रस्ट असाइड, टू रिफ्यूज टू लिसन समबडीज कंप्लेंट कमेंट्स एटसेट्रा। टू रिफ्यूज टू लिसन समबडीज कंप्लेंट्स कमेंट्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑफ पीपल वर थ्रस्ट असाइड। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑफ पीपल वर थ्रस्ट असाइड। आज का जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैंड डाउन। जी हाँ, स्टैंड डाउन, टू लीव अ जॉब और पोजिशन स्पेशली एन इम्पॉर्टेंट वन। टू लीव अ जॉब और पोजिशन स्पेशली एन इम्पॉर्टेंट वन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, रोमिला विल बी स्टैंडिंग डाउन एज यूनियन लीडर एट द एंड ऑफ द ईयर। रोमिला विल बी स्टैंडिंग डाउन एज यूनियन लीडर एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टैंड डाउन का जो अगला यूज है वो है टू लीव अ विटनेस स्टैंड। To leave a witness stand. The judge told him to stand down. The judge told him to stand down. आज का जो अगला phrasal verb है वो है ask around. जी हाँ, ask around. To speak to a number of different people in order to try and get some information. To speak to a number of different people in order to try and get some information. Example के तौर पर देखा जाए, she doesn't know of any vacancies in her company, but she will ask around. She doesn't know of any vacancies in her company, but she will ask around. और आज का जो आखिरी phrasal verb है वो है brush up. जी हाँ, brush up. To quickly improve a skill, especially when you have not used it for a time. To quickly improve a skill, especially when you have not used it for a time. Example के तौर पर देखा जाए, you must brush up your English before you go to Canada. You must brush up your English before you go to Canada. मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड में शामिल किए गए सभी पांचों phrasal verb के sense और examples को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इससे पीछे जितने भी phrasal verb आए हैं उसे आप revision कर रहे होंगे और ये examination के purpose से आप अपने ध्यान में और revision में रख रहे होंगे। साथ ही जब आप set लगाते होंगे उस दौरान आने वाले phrasal verb के sense को आप समझ पा रहे होंगे और आप अपने question को बखूबी answer कर पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।